मैं आपको तीन बड़े व्यावहारिक सूत्र देना चाहता हूँ जिनका आप जीवन में ऐसे उपयोग करें जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ये तीन सूत्र आपके प्राणों में हमेशा उपलब्ध रहने चाहिए। चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही स्वीकार कर लेना और जरा भी भीतर से विरोध ना हो ये मान लेना कि ऐसा है ही। यानी एक समय ऐसा भी था जब आप नहीं थे पृथ्वी पर, तब भी तो सब चीज़ें ऐसी थी, हवाएं चलती थी, धूप निकलती थी, पक्षी चहचहाते थे, नदियां कलकल बहती थी, समुद्र की लहरें उठती थी, शोर मचाती थी। आज भी ऐसा हो रहा है, एक दिन आप नहीं होंगे तो भी ऐसा ही सब कुछ होता रहेगा। अभी आप अपने घर में हैं, प्रातःकाल बिस्तर पर रहते हैं, दूध देने वाला दरवाज़ा खटखटाता है, अखबार वाला अखबार फेंक जाता है, घर के बच्चे तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आप नहीं होंगे, तब भी दूध वाला आएगा, अखबार वाला आएगा, बच्चे बस्ता लेकर स्कूल जाएंगे। आप नहीं रहेंगे तब भी ये काम जारी रहेगा, और अभी आप हैं तो तरह तरह के विरोध हैं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, वैसा होना चाहिए। 1000 चीज़ें आपके घर में ऐसी हैं जिनसे आपका विरोध है, जिनके लिए आप अपने वर्तमान को तनाव में डाल देते हैं, नरक में डाल देते हैं। जब आप उस घर में नहीं थे तब भी सब चीज़ें ऐसे हो रही थी, और एक दिन तो आ ही जाएगा जब आप नहीं होंगे, तब भी सारी चीज़ें ऐसे होती रहेंगी, आप उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। तो समझदार आदमी वो है जो आज भी जो जैसा हो रहा है वैसा होता रहे, भीतर से आपको वो चीज़ें बिल्कुल आंदोलित न कर पाए। हाँ, बाहर से आप जैसा चाहते हैं वैसा करने की कोशिश करते रहे, बाहर से संसार, लेकिन भीतर से कुछ भी होता रहे आप प्रभावित होना बंद कर दें। इसी को मैं कहता हूँ भीतर से संन्यास, यानी भीतर से टोटल एक्सेप्टेंस। बाहर से चलो गुस्सा भी करो, ये भी करो, वो भी करो, लेकिन भीतर से जरा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति सर्व स्वीकार के भाव में रहता है वो चाहे कोई क्रिया ना करे, मैं उसको ध्यानी मानता हूँ। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति टोटल एक्सेप्टेंस के मोड में भीतर से रहता है वो ध्यानी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दूसरा सूत्र है समर्पण, यानी यू आर नॉट द डूअर, आपके करने से चीज़ें नहीं हो रही, इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है। जब आप ये मान लेते हैं कि जो स्वतः हो रहा है वो मेरे करने से हो रहा है, तभी भ्रांति पैदा होती है, तभी आप अधार्मिक होते हैं, तभी आप नास्तिक होते हैं, वहीं आपकी आस्तिकता भंग हो जाती है। भगवान कृष्ण पूरी गीता में चीख चीख कर इसी सत्य का उद्घाटन करते हैं कि इस अस्तित्व में सब कुछ स्वतः हो रहा है, करने वाला वही, कराने वाला वही, तुम तो उसके हाथ भर हो, तुम तो बांस की पोली पोंगरी हो। भगवान अष्टावक्र सम्राट जनक को महागीता का उपदेश देते हैं, भगवान अष्टावक्र कहते हैं सम्राट जनक को कि तू करता नहीं साक्षी, सिर्फ देखने वाला, इस अस्तित्व में तुम्हारी हैसियत सिर्फ देखने वाले की है, इसलिए जिंदगी के सारे कामों को करते हुए भीतर से अकर्ता के भाव में रहना। जैसे जो कुछ मैं कर रहा हूँ मुझसे कराया जा रहा है, इस भाव से हर कार्य को करना, ये अस्तित्व की व्यवस्था थी, उसी ने मुझको इस स्थिति में रखा है जिस स्थिति में आपको डाला है। क्या आप सोच समझ के आए, वहाँ डाल दिया गया है आपको, और उस कार्य को इस भाव से करो कि जैसे मैं तो उसका हाथ भर हूँ, वो मुझसे करा रहा है, चाहे उसे अस्तित्व कहो, चाहे उसे परमात्मा कहो, चाहे उसे गुरु भगवान कहो, नाम कोई भी दे दो, लेकिन तुमसे कराया जा रहा है और तुमसे हो रहा है, तुम तो उसके माध्यम भर हो, करते हुए अकर्ता बन जाना। और इसी को कहते हैं समर्पण की भाव दशा में रहना। समर्पण के प्रयोग में क्या होता है,
जिंदगी में सारे कामों को करते हुए ऐसे उपलब्ध रहना कि मैं उपलब्ध हूँ, जो अस्तित्व को कराना होगा करा लेगा मुझसे। और जब इस भाव से आप जीवन को लेते हो तो सब कुछ करते हुए भी आपको कुछ थकान नहीं लगती, क्योंकि तब परिणाम की चिंता नहीं सताती है आपको। अभी तो आपको परिणाम की, रिजल्ट की बड़ी चिंता लगी रहती, तो क्या कर लिया आपने, कौन सी तो मर ली, केवल पीड़ा और नरक ही तो पैदा हुआ तुम्हारी जिंदगी में। उस पीड़ा और नरक से बचना चाहते हो तो उपलब्ध रहो परिस्थितियों में, जो परिस्थितियां उस समय पैदा हों उनके अनुरूप जो किया जा सकता है वो करो, परिणाम की चिंता ना करो। जो समर्पण भाव में जीता है वो व्यक्ति जानता है कि जो करा रहा है वो अपने आप, उसने परिणाम भी निर्धारित कर रखा है, जो निर्धारित होगा वो मुझे पूर्णतया स्वीकार है। इस भाव से कर्म करो खूब, और परिणाम की चिंता नहीं सताएगी। उसका मजेदार अनुभव ये होगा कि परिणाम वही होगा जो तुम पाना चाहते हो, परिणाम वही होगा जिस दिशा में तुमने अपनी ऊर्जा लगाकर काम किया है। और जब आपकी चेतना पूर्ण रूप से परिणाम पर केंद्रित हो जाती है, कर्म में ऊर्जा क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, पूरी ऊर्जा लगती ही नहीं कर्म में, इसलिए उस कर्म का परिणाम भी उल्टा होता है, बाधित हो जाता है, असफलता मिलती है। तो समर्पण के भाव से किया गया कर्म निश्चित रूप से परिणाम पैदा करता है, लेकिन उसमें परिणाम को पाने की पीड़ा, परिणाम को पाने की चिंता नहीं रहनी चाहिए। समर्पण की भाव दशा में आने का एक छोटा सा प्रयोग है कि एक बड़ी नदी जो पानी से लबालब भरी है, तीव्र गति से बह रही है, आप उसमें उतर गए हैं और आप नदी पर सवार हो गए हैं, नदी की धार के साथ आप वैसे ही बहते जा रहे हैं जैसे सूखा पत्ता नदी की धार में बहता चला जाता है, कोई विरोध नहीं, बह जा रहे। सूखे पत्ते की तरह नदी के जल की धार पर सवार होकर बह जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा, जब आपने अपने को नदी की धार में छोड़ दिया है तो आपको सागर तक पहुंचने की चिंता नहीं करनी है, नदी स्वतः जा रही है सागर की ओर, आप स्वतः सागर पहुंच जाएंगे। और ध्यान का तीसरा महासूत्र है, ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, मिट जाना, जैसे तुम अब रह नहीं और संसार चल रहा है, और तुम रह रहे हो तो भी जैसे तुम हो ही नहीं। इस भाव दशा में होना बहुत अद्भुत अनुभव देता है। अभी तो आपकी दशा इसकी एकदम उल्टी है, अभी किसी ने जरा सा आपकी ओर टेढ़ी आंख से देखा, आप उसकी आंख निकालने को कूद पड़ते, किसी की हिम्मत क्या कि आपकी तरफ टेढ़ी आंख से देखे, निश्चित रूप से आप उसकी आंख निकाल के फेंक देंगे। लेकिन ऐसे जियो जैसे तुम हो ही नहीं, ऐसा प्रयोग रोज रोज करो। जब ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं, कोई आपको गाली दे, कोई आपका अपमान करे, कोई आपका बड़ा सम्मान करे, दोनों परिस्थितियों में अपमानित होने पर दुख की ज्वाला में जलने मत लगो, सम्मानित होने पर फूल के कुप्पा ना हो जाओ, ऐसे दोनों परिस्थितियों में बने रहो जैसे तुम हो ही नहीं। यानी जीते जी मिट जाने का प्रयोग करो, जीते जी मिट जाने का अभ्यास करो।